शिवम वर्मा जी का माल तैयार कर। ये कैसा मिलावटी सामान बेचा है? तुझे पता है तेरे सामान की वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे जा, तेरे से पागल डेली आते हमारे पास, निकल यहाँ से। अच्छा वाह, एक तो चोरी पर से सीना चोरी, एक तो मिलावटी सामान बेचता है। तेरे को ना मैं पुलिस में पकड़वाऊंगा, तेरी दुकान बंद करवाऊंगा ये। अबे जा, जो करना है कर ले, और हाँ पहले जाके अपने भाई को देख, बड़ा आया, निकल यहाँ से। अच्छा तू देख लियो, आज मेरा भाई बीमार है ना, कल को तेरा भी कोई घर वाला बीमार होगा, जब तेरे को पता चलेगा। जबकि जब देख लूंगा। शिवम इधरा, ये ले इसे दाल में और इसे चावल में मिला दियो। पर भैया इसमें तो कंकड़ है। हाँ तो दाल चावल मिलाने के लिए तुझे हीरे तो दूंगा ना, कंकड़ ही दूंगा ना, फटाफट जाके मिला दे इसे, कस्टमर के आने का टाइम हो रहा है। ठीक है। हेलो रोशन। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया दीदी। अच्छा सुनो, मैंने तुमको राशन की लिस्ट भेज रही हूँ, तो प्लीज शाम तक सारा सामान भिजवा दोगे? हाँ तो आप मुझे लिस्ट भेज दो, मैं आपको सामान भिजवा देता हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी तुझे व्हाट्सएप करती हूँ। ठीक है चल बाय। शिवम देख, दीदी दीदी की ना लिस्ट आई हुई है पूरी, इसे ना फटाफट पैक कर दे, और हाँ सारा सामान ना नए पैकेट में से डालियो। ठीक है जा फटाफट। हेलो रोशन। हेलो दीदी। रोशन तू प्लीज जल्दी से घर आ जा, चिंटू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और घर पे कोई है भी नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज तू आ जा। मैं आता हूँ, आप तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं दो मिनट में आया। हाँ मैंने मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, तो प्लीज आ जा जल्दी से। ठीक है। दीदी डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो अंदर है, चेकअप कर रहे हैं। रोशन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दीदी आप टेंशन मत लो, बच्चा है ठीक हो जाएगा, वैसे वो डॉक्टर साहब है ना अंदर। डॉक्टर आ गए। मैंने चेकअप कर लिया है, मुझे लग रहा है उसे फूड पॉइजनिंग है। आपका बच्चा बाहर का खाना खाता है क्या? नहीं डॉक्टर, वो बाहर का कुछ नहीं खाता। तो आप एक काम करो, जहाँ से आपका राशन आता है ना, आप एक बार वहाँ चेक कर लो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं मिलावटी के। बाकी मैंने उसे दवाई दे दी है, एक दो घंटे में उसे आराम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ आपसे एक बात कहनी है, उसके हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है डॉक्टर। ओके चलता हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना, गलती से आपके घर में ना गलत राशन आ गया। गलत राशन? मतलब तू तेरी दुकान पे आने वाले कस्टमर को मिलावटी सामान देता है? रोशन मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी। दीदी लोगों को देता हूँ, पर आज तक अभी आपको नहीं दिया, आपको हमेशा साफ और सुथरा राशन दिया। वो क्या है ना दीदी, बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना। लेकिन रोशन तेरे को पता है, तेरी इस हरकत की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान पे आ पड़ती है, और तू ऐसा कैसे कर सकता है? मैं समझती हूँ कि तुझे कमाना है, अपना काम बढ़ाना है, लेकिन तू कुछ पैसों के लिए दूसरों की जान से खेलेगा? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे शर्म आ रही है तेरे को अपना भाई कहते हुए। सही कह रहे हो दी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा हूँ। पहले ना मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था, क्योंकि कभी मुझ पे नहीं बीती ना, पर जब बात चिंटू पे आई ना, तो समझ में आया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी वजह से किसी की जान जा सकती है। दीदी मैं सबसे तो जाके माफ़ी नहीं मांग सकता, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आजकल कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, हमेशा साफ और सुथरा राशन दूंगा और अपनी दुकान को बड़ी ईमानदारी से चलाऊँगा। ठीक है भाई, अगर तेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करियो, लोगों की जान बहुत ज़रूरी है, पैसों से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है इंसान की जान। चल
जा तू, डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी वो लिया। ठीक है दीदी।